गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेजिडेंटल डे पेस ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अकाश सर। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हो, डे पेस स्कूल पूर्णिया। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, तारूज रिवॉर्ड, ठीक है, तारू का इनाम, उसके बारे में। ये एक लकड़हारे की कहानी है, तो इसे हम देखते हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। अ यंग वुड कटर नेम तारू लिव विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड और लिल लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट। दो He worked very hard. He earned very little money. This made him sad. For he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. ये एक बूढ़े एक लकड़हारे की कहानी है, ठीक है, जवान लकड़हारे, जिसका नाम था ताड़ू। वो अपने माता पिता के साथ एक हिल साइड में, कहीं हिल साइड में रहा करता था, ठीक है, बहुत अकेले। वो सारा दिन जंगलों में लकड़ियों को छोटे छोटे पीस में काटा करता था, ठीक है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम ही कमा पाता था उससे, ठीक है, जो कि उसे बहुत उदास करते थे, क्योंकि वो अपने माता पिता का विचारशील पुत्र था, ठीक है। वो चाहता था कि अपने माता पिता के हर एक ख्वाहिश को पूरा करना, जो उन्हीं की ज़रूरत है उनको पूरा करना। वन इवनिंग व्हेन तारू एंड हिज पेरेंट्स वेयर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द हर्ट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, इट विशल्ड थ्रो द क्रैक्स ऑफ हर्ट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। सडनली तारूज फादर मर्मर्ड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। एक शाम जब तारू अपने पेरेंट्स के साथ अपने हर्ट के, अपने झोपड़ी के कॉर्नर में बैठा हुआ था, ठीक है, तभी एक तेज़ हवा का झोंका शुरू होता है चलना। आपने देखा होगा कि जब झोपड़ी में जो भी क्रैक्स होते हैं, उधर से जब हवा पास करती है तो कुछ आवाज़ होती है, ठीक है, सीटी टाइप जैसे कुछ बजता है, ठीक है, पतली सी आवाज़ होती है। तो वो उनको वहाँ सुनाई दिया, ठीक है, वो वहाँ पे हो रहा था और सभी को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, ठीक है। अचानक से उसके पिता, तारू के पिता ने ये बड़बड़ाया, उन्होंने ख्वाहिश की, उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक कप शेक मिलता, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, जो कि मुझे गर्म रखता और मेरे बूढ़े दिल को खुशी पहुँचाता या सुकून पहुँचाता। दिस मेट तारू सैडर देन इवन, फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। अब वो क्या हुआ ना, उस टाइम वो और भी ज़्यादा उदास हो गया। पहले उदास तो रहा ही करता था, अभी वो और भी ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि जिस शेक की उसके पिता को इच्छा थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगा था, ठीक है। वो इस चीज़ को खुद से पूछता है कि मैं और भी ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, ठीक है, मैं और भी ज़्यादा यानी पैसे कैसे कमाऊँ अपने पिता के लिए थोड़ा सा लिटिल शेक, कम से कम थोड़ा सा लिटिल शेक, कम से कम थोड़ा सा शेक कहाँ से लाऊँ अपने बूढ़े पिता के लिए, ठीक है। फिर उसने डिसाइड किया कि वो और भी ज़्यादा मेहनत करेगा, क्योंकि वो मेहनत तो करता ही था, लेकिन वो अब उससे भी ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारू जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ब एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट बट स्वेट, माई पुअर ओल्ड फादर ही थो इफ ओनली ही वॉज अ वार्म एज आई। उसके बाद अगली सुबह वो अपने बेड से उठता है, ठीक है, यानी सुबह तो उठता ही था वो और भी दिनों, लेकिन अभी क्या हुआ ना कि वो उससे भी ज़्यादा सुबह उठने लगा, ठीक है, और जंगल की ओर चल पड़ा। वो लकड़ियों को काटता रहा, ठीक है, काट के छोटे छोटे पीसों में काटता रहा। जैसे ही सन चढ़ा उसे और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगी, उसने अपने जैकेट को उतारा, खोल दिया। उसका मुंह सूख चुका था पूरी तरह से, उसके पूरे फेस पे पसीना था, पसीने से भीगा हुआ था उसका फेस, ठीक है, लेकिन वो अभी क्या किसके बारे में सोच रहा था, अपने बूढ़े पिता के बारे में सोच रहा था। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और आगे की कहानी हम पढ़ेंगे या सुनेंगे, यानी हम पढ़ाऊँगे आप सुनोगे, ठीक है, तो मिनट लगते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या हो देखते हैं। एंड विथ दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। उसके बाद क्या हुआ, उसने और भी तेजी से लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया, ठीक है। वो एक्स्ट्रा पैसों के बारे में सोच रहा था,
क्योंकि उसे अपने पिता के लिए वो शेक लेना था, ठीक है, उसके बारे में सोच रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम कर रहा था. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. व्हाट वाज द साउंड ही हर्ड? कुड इट बी, कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर? उसके बाद अचानक से तारो लकड़ियों को काटना रोक देता है, ठीक है. उसने आवाज़ सुनी किसी चीज़ की, ठीक है. फिर वो सोचता है क्या ये पानी की आवाज़ है, पानी की गिरने की आवाज़ है या पानी की चलने की आवाज़ है, इस चीज़ को वो सोचता है, ठीक है. तारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. ही वॉज थर्स्टी. द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द सन. तारो ने कभी भी उसे यानी कभी भी उसने वहाँ पे किसी भी तरह का झरने की आवाज़ ना ही तो सुनी थी और ना ही देखी थी, ठीक है. कभी नहीं देखा था उसने. वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी था, ठीक है. उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गया और वो भागा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो आवाज़ आ रही थी, उस झरने की आवाज़ आ रही थी. तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक? ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. उसके बाद क्या हुआ, तारो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है जो कि छिपा हुआ था रॉक्स के पीछे, पहाड़ी के पीछे, ठीक है. वो अपने घुटने पे बैठता है उस जगह पे जहाँ से वो पानी बह रही थी, ठीक है. उसने थोड़ा सा अपने हाथ में पानी लिया और अपने लिप से टच करवाया, यानी अपने उसको पिया उसने थोड़ा सा, और वो सोच रहा था कि यानी खुद से क्वेश्चन कर रहा है क्या ये पानी है, क्या ये पानी था या ये शेक था. वो उसे बार बार टेस्ट किया, उसे उसको बार बार पिया, ठीक है. और हमेशा उसे क्या मिला, स्वादिष्ट शेक. किसके जगह पे? कोल्ड वाटर की जगह पे. तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हर्रीड होम. द ओल्ड मैन वॉज लेटेड विद द शेक. आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. तारो जल्दी से उसने क्या किया, अपने साथ जो अपने साथ एक मटका लाया था उसे उससे भरता है, ठीक है, उससे एक से भरता है और एक जल्दबाजी में अपने घर की ओर जाता है, घर चला जाता है. जैसे ही द ओल्ड मैन वॉज लेटेड विद द शेक, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था यानी उसका तारो का पिता, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उस शेक से, ठीक है. और तुरंत एक ही घोट में उसका थथराना रुक जाता है. उसके बाद वो होता है ना खुशी के मारे नाचना आदमी को, तो वो थोड़ा सा डांस करता है वहाँ पे. नेक्स्ट डैट आफ्टरनून आर नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट. टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक. द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल. थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन द हरी. बाय नाइटफॉल शी हैड स्पीड शी स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. उसी दिन उसी दोपहर एक नाइबर यानी एक पड़ोसी उसके घर पे रुकता है उसको देखने के लिए, ठीक है. तारो का पिता यानी उसके जो पिता थे तारो के, वो उसे नर्मदा से एक कप शेक का एक कप उसे ऑफर करते हैं, उनको पीने देते हैं, ठीक है. और वो लेडी आई थी उनके घर को देखने के लिए, तो वो भी उसे पूरा लोभ से उसे लेके पी लेती है. और फिर वो थैंक करती है उस बूढ़े आदमी का, वो लेडी जो उसके घर आई थी, वो उसे शुक्रिया करती है. उसके बाद तारो उसे इस मैजिक वाटरफॉल के बारे में कहानी सुनाता है जो उसके साथ हुआ, ठीक है. और फिर वो जो उसने उस लेडी ने वो ड्रिंक को पिया था तो उसके लिए उनको थैंक किया और वहाँ से जल्दबाजी में निकल गई. जैसे ही शाम हुआ उस औरत ने उस कहानी को पूरे गांव में फैला दी. दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग पोजियंस ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस. ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक. इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी. उसी शाम क्या हुआ, एक लंबा सा जुलूस उसके घर के सामने, देखने वालों का जुलूस उस लगरहारे के घर के सामने आ चुका था, ठीक है. सभी लोगों ने उस कहानी को सुना था, उस मैजिक फॉल के बारे, वाटरफॉल के बारे में जो कहानी था उसको सुना था, और सभी को एक शेप मीन्स एक घूंट या कह सकते हाँ एक घूंट उस शेक का
मिला और एक घंटे से कम में ही वो जो पिचर था उसके पास जिसमें शेक भरा हुआ था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन फॉर ही इंटेंड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। अगले दिन सुबह तारो काम के लिए ठीक है और भी ज़्यादा सुबह उठता है, जैसे कि वो सुबह उठता ही था लेकिन उस दिन और भी सुबह उठा, उस सुबह और भी सुबह जल्दी उठा, जैसे कि अपने साथ बहुत बड़ा मटका लिया और ये इरादा करते हुए गया कि मैं वहाँ उन लोगों से पहले पहुँच जाऊँ उस वाटरफॉल पे। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा ठीक है वो सरप्राइज हुआ वो क्या देखता है कि उसका सारा पड़ोसी जिसने उनके गांव वाले होते हैं आसपास के जितने भी थे वो वहाँ उस वाटरफॉल पे ऑलरेडी पहुँचे। ये तो सुबह उठ के गए थे, अब सोच सकते हो अब वो जो नाइबर्स थे वो कितने सुबह वहाँ पे पहुँचे होंगे। तो वो सभी वहाँ पे पहुँच गए थे, उन सभी को देख के तारो सरप्राइज था। दे वेयर कैरिंग पिचर जार्स बकेट्स एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सिंक। देन वन विलेज नील्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। ही ड्रैंक अगेन एंड देन शॉटेड एंग्रीली वाटर नथिंग बट वाटर। अदर्स आल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो शेक ओनली कोल्ड वाटर। सभी लोगों ने अपने साथ मटका जार बकेट यानी जो भी चीज़ हर एक चीज़ को लिया हुआ था जिससे वो उस मैजिक शेक को उसमें भर सके ठीक है। एक गांव वाला वहाँ पे बैठता है घुटने के बल बैठता है घुटने टेक के और जैसे ही उस वाटरफॉल के पानी को पीता है वो उसे बार बार पीता है और गुस्से से चिल्ला के कहता है पानी ये सिर्फ और सिर्फ पानी है ठीक है। और फिर जो अलग यानी अदर लोग थे यानी और भी आदमी सब जो वहाँ पे थे उन्होंने भी फिर से ट्राई किया इसको पी के देखा ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई शेक नहीं था, वहाँ पे क्या था सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी। नेक्स्ट वी हैव बिन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स वेयर्स तारो लेट अस ड्रोन हिम इन द वाटरफॉल इन दिस वाटरफॉल बट तारो हैड बिन वॉइस इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वेयर गोइंग ही वॉज नाउ टू बी फाउंड। वे जो लोगों ने ट्राई किया था उस शेक को जो कि पानी उन लोगों को लग रहा था पानी मिल रहा था वैसे ही वहाँ से ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि तारो ने उनके साथ छलावा किया है ठीक है छल किया है ठीक है। सारे विजिटर्स से गुस्सा के ये बोलने लगे तारो कहाँ पे है, उसे इसी पानी में डुबोकर इसी वाटरफॉल में डुबोकर मार देना चाहिए। लेकिन तारो बहुत ज़्यादा चालाक था ठीक है बुद्धिमान था, वो क्या हुआ कि उस एक पहाड़ी के पीछे जस्ट छिप गया और वहीं से वो सारा देखता रहा जो जो वहाँ पे हो रहा था। वो उन लोगों को कहीं भी नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। तारो कम आउट फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस व्हाट इज ट्रू वाज इट ट्रू ही वंडर्ड वाज द शेक अ ड्रीम। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। इट वाज द सेम फाइन शेक टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस शेक टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड ड्रिंक। सब बड़गड़ा कर रहे थे, मिस ना बड़बड़ा रहे थे और गुस्से में बड़बड़ा रहे थे, निराश हो गए थे और धीरे धीरे एक बाय एक यानी वन बाय वन करके वो वहाँ से जाते गए ठीक है। जब वहाँ से सब चला गए सभी चले गए तब तारो वहाँ से निकला अपने जहाँ से वो छिपा हुआ था वहाँ से वो बाहर निकलता है और आश्चर्य करता है कि वो जो शेक था क्या वो सपना था ठीक है। फिर वो क्या करता है कि थोड़ा सा फिर से उसी लिक्विड को अपने हाथ में लेता है और उसको अपने लिप तक लेता है पहुंचाता है और पी लेता है, मीन्स पील ना होता ठीक है, उससे थोड़े से पानी को लिया और पी लिया। लेकिन वो उस टाइम भी वो शेक ही था ठीक है, क्योंकि वो अपने माता पिता का विचारशील बेटा था ठीक है, जो मैजिक वाटरफॉल था सिर्फ और सिर्फ उसे ही वो डिलीशियस शेक दे रहा था, बाकी दूसरों के लिए वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी ही था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेजिंग ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ये कहानी तारो की कहानी, तारो और उसके मैजिक वाटरफॉल की कहानी जापान के सम्राट तक पहुँचती है ठीक है। फिर उन्होंने उस
लगा हाड़े को 20 pieces ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड का 20 पीस उसे भेजा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, दयालु था, इसके वजह से उसे इनाम दिया गया उस लकड़हारे को। और ताड़ों के बाद देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर ताड़ों। उसके बाद उस सम्राट ने ताड़ों के बाद उस क्या बोलते हैं उसे सिटी का सबसे ज़्यादा खूबसूरत फाउंटेन का नाम दिया, ठीक है, खूबसूरत फाउंटेन का नाम दिया। और दिस सेड द एम्परर वाज एनकरेजिंग ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। अब इस चीज़ को देख सकते हो कि इसका यही था, इस स्टोरी का कहना ये था कि आप सभी अपने सभी बच्चों का सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के का सम्मान करें, उनके आज्ञा का पालन करें, ठीक है, ये स्टोरी का कहना था। उसके बाद अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, यानी क्वेश्चंस आंसर करेंगे, आपको इसे नोट डाउन करना है और सभी को उसे लर्न भी करना है, ठीक है। थैंक यू। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तारो आंसर इज तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बिकॉज तारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग और रशिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। व्हाट डिड द एम्परर रिवॉर्ड तारो। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इज द एम्परर रिवॉर्ड तारो फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द विलेजर्स वॉन्ट टू ड्रोन तारो। आंसर इज द विलेजर्स वॉन्ट टू ड्रोन तारो बिकॉज दे थॉट तारो वॉज ट्रिक देम। आप इन 3 क्वेश्चन को नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। आंसर इज तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक बिकॉज ही विश्ड ही हैड अ कप ऑफ शेक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड तारो बिकम सैडर देन एवर। आंसर इज तारो बिकम सैडर देन एवर बिकॉज दे बिकॉज द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड मीनिंग्स, ठीक है, आप इसे नोट डाउन करो पहले, उसके बाद या मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, आप इसे नोट कर लो। लोनली अकेला, चॉप्ड कटा हुआ, थॉटफुल विचारशील, नीलिंग घुटना टेक कर, पिचर मटकी, पोलाइटली शिस्तपूर्वक, रिडली लालच से, प्रोसीशन जुलूस, इंटेंडेड इरादा, ट्रिक बरगलाया, इनकरेज प्रोत्साहित, मटरिंग बड़बड़ाहट। अब इसे नोट डाउन करो और अब हम मिलते हैं, यहाँ पर चैप्टर फिनिश हुआ, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर एंड बाय बाय।